साथियों, त्रिकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओकरा, भिंडी या लेडी फिंगर को कैसे लगाएं या उसकी खेती कैसे करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो पूरे भारतवर्ष में ना बल्कि पूरे विश्व में उसका इस्तेमाल होता है और यह साल के दो बार इसको उगाया जा सकता है, फरवरी और मार्च में और जून और जुलाई में दो बार इसके बीजों को लगाया जा सकता है। भिंडी एक एनुअल वेजिटेबल है और हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम में से अधिकांशता इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेडी फिंगर या ओकरा में न्यूट्रिशन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के का प्रचुर स्रोत है, जिसके कारण से ये हार्ट डिजीज, ब्रेन के डेवलपमेंट, हड्डियों के डेवलपमेंट और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसका बीज कैसे प्राप्त करें और कैसे लगाएं। भिंडी के बीज आप अपने बाजार से और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम आपको दिखाते हैं कि आप ये हरी भिंडी है जिसका हम इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं और यही भिंडी जब मैच्योर हो जाती है, सूख जाती है, पक जाती है तो इस तरीके से ये इसके सीड पॉट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैच्योर होने के बाद में ये भिंडी या सीड पॉट इस तरीके से हो जाते हैं। और अगर आपके यहाँ भिंडी लगी हुई है तो आपको बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं सीड पॉट से आप बीज निकाल सकते हैं। देखिए हम किस तरीके से इसमें से ये बीज निकालते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें ये बीज जो है सीड्स ये भरे हुए हैं, इनको हम इस तरीके से इनमें से निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसमें से ये बीज जो है भिंडी के आप निकाल लीजिए। एक भिंडी से देखिए आप कितने अधिक बीज प्राप्त होते हैं। तो यदि आपने अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में भिंडी को लगाया है तो उसमें कुछ फल को आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये बीज अगले सीजन में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए ये भिंडी के बीज हैं जो कि हमने पॉट से निकाले हैं, ये आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और इनको उगाने के लिए हमने जो है इसको आसानी से उगे, इसलिए ये हमने 24 घंटे पहले ये बीजों को भिगो दिया है और अब हम इनको अपने यहाँ जो है पॉट्स में आपको लगा करके दिखाएंगे। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इनको हम अपने कंटेनर्स में या पॉट्स में कैसे लगाएं। इस टैंक में भिंडी के बीज कैसे लगाते हैं दिखा सकते हैं। ये टैंक हमने टीन का बनवाया है जो 3 फीट बाई 3 फीट बाई 1.5 फीट है। इसमें हमने मिट्टी, कोकोपीट और गोबर की खाद मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने आसान करने के लिए हमने हल्की हल्की 1 से 2 इंच गहरी नालियां बना ली हैं। आप जो है इसमें ये बीज जो पहले से भीगे हुए हैं इनको आप इन नालियों में इस तरीके से आप डाल दीजिए। कुछ अधिक मात्रा में ही बीजों को डालते हैं क्योंकि कितने परसेंट जर्मिनेट होंगे उसके ऊपर इनकी संख्या निर्धारित होगी। यदि बहुत पास पास हो जाएंगे तो जर्मिनेशन के बाद कुछ पौधों को आप हटा करके उनकी दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। वैसे एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कम 15 इंच की दूरी होनी चाहिए। बीजों को हम इस तरीके से मिट्टी से ढक देते हैं और ढकने के बाद में थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार इसमें फव्वारे से पानी का छिड़काव कर देंगे। तरीके से आप फव्वारे के द्वारा पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बराबर बना रहे
और सीड का जर्मिनेशन भली प्रकार हो सके। अब आप देख सकते हैं ये भिंडी के सीड जर्मिनेशन के करीब 22 दिन बाद भिंडी के पौधे इतने बड़े हो गए हैं। इनमें आपस में दूरियां कम करने के लिए जो बीच के पौधे कमजोर हैं उनको हम निकाल करके हटा देंगे और इसमें लगातार पानी डालते जाएंगे और बीच बीच में हर 15 दिन के ऊपर कम से कम इसमें मैन्योर, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते जाएंगे ताकि इसके इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहे और इसकी अच्छी ग्रोथ हो। अब आप देखिए कि भिंडी के पौधे के जर्मिनेशन के 35 दिन बाद इसमें आप देखिए ये भिंडी के फल आना शुरू हो गए हैं और फ्लावर्स और फ्रूटिंग जो है मेल और फीमेल फ्लावर्स इसमें आने लगे हैं और धीरे धीरे करके अब ये इसमें बड़ी हो जाएंगी भिंडियाँ, फिर इनको आप इसमें से तोड़ करके और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए सीड जर्मिनेशन के बाद ये भिंडी के पौधों में ये फूल आ गया है और साथ साथ में ये छोटे छोटे भिंडी जो है वो भी फल के रूप में आने शुरू हो गए। उस दिन बाद ये बड़ी हो जाएंगी और खाने योग्य हो जाएंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल त्रिकाल बायोटेक लैब को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। मुझे आपके सुझावों की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।